तो फाइनली उधर गया हूँ, फेरी ट्रैम लास्ट स्टेशन है। इस स्टेशन से एक और जगह जाती है जो कि भुगजाल है रेलवे स्टेशन, वहाँ पर जाके ये खाली होती है और भरती है। और मतलब ये आपका ना ट्रेन स्टेशन से दो पॉइंट पे जाती है सिटी कवर करने के लिए, एक राइट साइड में और एक नीचे डाउन साइड में। सामने की तरफ जाना है इधर से चलने के लिए। और एक अपडेट और देना चाहूँगा कि जैसे कि आपका मैंने पेमेंट की बात की थी, ट्रैम फ्री नहीं है। पहले इसमें 1700 सोम थे और जिनके पास ऑलरेडी कार्ड बने हुए हैं वो उनको पे करने होते थे 1600 सोम। तो अभी क्या है ना, 26 सितंबर 2023 से रेट चेंज हो गए हैं, तो 2000 सोम आपके लगेंगे पर राइड के, तो वही हो गए ऑलमोस्ट 12-13 रुपये 14 रुपये। इससे सस्ता और क्या चाहिए भाई शहर घूमने के लिए भी आपको। तो मुझे रोड क्रॉस करना है, यहाँ पर रोड क्रॉस करने का सीन वैसे ही है जैसे अपने इंडिया में है, बट ये है कि यहाँ पे इज्जत दी जाती है लोगों को, तो आप क्रॉस करोगे तो कोई ये नहीं कुड़ाते वो निकल जाएगा। 1.4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, चलते हैं कितनी दूरी पे और देखेंगे। ये सामने का पूरा नज़ारा देख लो भाई, बस सब पीछे सारे लोग खड़े हैं। जो मैं बोल रहा था आप लोगों को, देखो रोड पे कैसे क्रॉस कर रहे हैं सामने देखो, वो भी 3-4 लेन की जो रोड है वहाँ पर लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। सी एक लड़की खड़ी है, एक वो है, अभी वो क्रॉस करेगी। अभी जो कुछ देर पहले ब्लू रंग की गाड़ी गई है वो पुलिस वालों की थी। देखो एक सामने देखो, मतलब हमारे यहाँ इतना, मतलब इंडिया में हम लोग क्रॉस करते हैं बट हाईवे रोड जैसे बनी हुई है 3-4 लेन की, उसमें भी लोग भाई बीच में क्रॉस कर रहे हैं भागते भागते, क्योंकि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन का बना तो जिस पर मैं चल रहा हूँ, बट कहीं कहीं पे बनाया हुआ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हर जगह पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम है, लोगों को रोड पर क्रॉस करना पड़ रहा है। ये जो वैन दिख रही है सामने की तरफ, दो मिनी बसेस दिख रही हैं, यहाँ वैन को जो बोलते हैं माँ श्रुत का बोलते हैं, माँ श्रुत का, तो ये छोटे छोटे प्लेसेस पे जाने के लिए यूज़ की जाती है या सिटी इंटरसिटी के लिए भी यूज़ करते हैं लोग। मिनी बसेस हैं वो भी सिटी ट्रैवल के लिए अवेलेबल है, टैक्सी अवेलेबल है, ट्रैम अवेलेबल है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है बस अवेलेबल है, तो आप बस से भी जा सकते हो। ओ भाई ये देखो, अभी मुझे ऊपर जाना है, वो ऊपर से फुटब्रिज क्रॉस करके उधर जाना है। फुटब्रिज क्रॉस करके उधर से क्यों जाऊँ, मैं यहाँ से जा सकता हूँ, तो मैं भी रोड क्रॉस कर रहा हूँ भाई यहाँ से भागते हुए, एक बार देखता हूँ। अभी मैं जहाँ से आ रहा था वो डायरेक्शन है, वहाँ पर ट्रैम का जैसे वो फुटब्रिज है, फुटब्रिज क्या है फ्लाईओवर है, उसके नीचे ट्रैम का लास्ट ड्रॉप है और ये सामने मॉस्क है खूबसूरत सा, और एक फुटब्रिज दिया वो रोड को इधर क्रॉस करने के लिए। ये पूरी मार्केट दी हुई है देख रहे हो, पूरी मार्केट है। अब बीबी खानिम का मॉस्क वो उधर से दिख रहा है, बाजार के जस्ट बगल में बीबी खानिम मॉस्क है, और ये कुछ आसपास का नज़ारा है, गोल्फ कार्ट छोटी छोटी बनी हुई हैं, ये गो कार्ट्स है। अगर आप थक गए हो तो आप इसमें जाओ, आपको टूर करा देंगे। कितना है वो मैं जब करूँगा तब तो बता दूँगा आपको कितना। फिलहाल सोचो मैंने हॉस्टल ही बगल में बुक किया एकदम, तो मैं मतलब ये जितना भी दिख रहा है ना, अभी वॉक करते हुए जा रहा हूँ मैं, चाहूँ तो यहाँ से एक्सप्लोर करने के बाद जाऊँ या तो फिर बैग रख के एक्सप्लोर करूँगा। फिलहाल तो बैग रखना पड़ेगा, बैग रख दूँगा उसके बाद एक्सप्लोर करूँगा। और ये छोटे छोटे टॉयलेट्स लगे हुए हैं भाई, मस्त लग रहा है ना। मेरा हॉस्टल बिल्डिंग्स के जस्ट बगल में ही है, ये जो मॉन्यूमेंट्स है ना सारे आमिर तैमूर के, क्योंकि जस्ट बगल में ही हॉस्टल है, ज़्यादा दूरी नहीं है। सियोब देकून बोजोरी, सियोब बाजार मैंने बोला था ना। कितनी मेहनत लगती थी बनाने में देखो, खूबसूरत है। एक ये बगल में है, एक ये है, मतलब
दिल खुश हो जाता है भाई देख के। सी ये रे टूरिस्ट प्लेस, और ये देखो भाई खूबसूरती। और इनकी एंट्री फीस जो है वो 500 रुपये है आइनार में, जो कि बनते हैं करीब 30-40 हज़ार या 50 हज़ार सोम बनते हैं। 50 हज़ार सोम के आसपास आपको पड़ेगा, 500 INR, 3000 सोम, यही एंट्री टिकट है सबकी। और पूरा दिन चाहिए इसको एक्सप्लोर करने के लिए अगर आप यहाँ पे आते हो तो। रात में लाइट्स लगी होती हैं, लाइट शोज होते हैं यहाँ पे, देखने में और खूबसूरत लगता है। ये आसपास के सारे शॉप्स लगी हुई हैं, समरकंद आर्ट हाउस। चलता हूँ सीधे हॉस्टल पहुँचता हूँ, उसके बाद बाकी रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा आपको ढंग से विस्तार से। भाई यहाँ पे देखो वो जो रोटी तो फेमस है ना यहाँ पे, तो वो बन रही थी तो हॉस्टल के बगल में ही है। हाँ सलाम सलाम। ये रोटी देखो जैसे बनती है। ये रहा तंदूर, तंदूर तंदूर। ओके सो अभी रोटियां बन रही है, निकलता हूँ शाम को तो फिर देखूंगा मैं। स्कूल का टेन। सो भाई तुम्हारी पड़ती है 10,000 सोम की, क्या कहते हैं जब भी ये बोलेंगे 10 या 5, 5 मतलब आपका बड़ा, क्या कहते हैं 5,000 सोम, और अगर 10 बोला तो यानी कि 10,000 सोम, तो ऐसे ही बोलते हैं, 50,000, 10,000 नहीं बोलते हैं। सो ये कुछ गलियां हैं देखो जहाँ मेरा हॉस्टल है, जा रहा हूँ मैं। और हॉस्टल आ गया, कौन सा है मेरा वाला, समरकंद, यही है हॉस्टल जो मुझे दिख रहा है फिलहाल। तो ये पूरी ऐसी गलियां बनी हुई हैं चारों तरफ से, देख लो। चलते अंदर देखते हैं फिर बाकी चीज़ आपको बताएंगे आपके आगे। तो भाई मैं अभी आया था कैफे कम रेस्टोरेंट में, तो ये पूरा देखो रेस्टोरेंट। अभी मैंने पुलाव ऑर्डर किया था और एक टर्किश कॉफ़ी थी, तो भूख बहुत लगी थी। मैंने सोचा पहले खा लूँ फिर जाऊँगा हॉस्टल, क्योंकि डायरेक्शन जो है गलती हो गई है, वो था जो मैं पहुँचा हूँ वो था वो होटल था, और सेम नाम से हॉस्टल भी है। सो अभी मैं जाता हूँ पता करता हूँ, वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहाँ जाना पड़ेगा। 2.3 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो बस अवेलेबल है आगे रास्ते से, बस लूँगा फिर चला जाऊँगा देखते हैं। तो मैं अभी जा रहा था हॉस्टल की तरफ तो सर मिले, रिकॉर्ड सर मिले, तो इन्होंने चाय कॉफ़ी के लिए ऑर्डर किया, तो अभी वो देखो चाय कॉफ़ी बना रहे हैं। और ये इनकी शॉप है देख लो, सारा क्रॉकरी का है पूरा, और ट्रेडिशनल है सारा कुछ सर, इधर भी लगा हुआ है। ये खाने पीने में भी रेस्टोरेंट्स में भी ऐसे यूज़ होता है, और वो और भी हैं। थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया अरबिक शुक्रिया हिंदी धन्यवाद। तो ये कॉफी बनी है बहुत अच्छी है, मिनिया जाऊद खुर्शीद, ये बना मुसलमान के पुत्र खुर्शीद अली मामा से मुराद मुराद रदा क्या दोनियोर दोनियाल दानियाल मेरे पैगंबर दानियाल दानियाल हां दानियाल टर्किश नेम दानियाल दानियाल ऑल्ट तुर्की हां ऑल्ट तुर्की हां तुर्की नाम। कॉफी बहुत प्यारी है सर, भी लोग बहुत प्यारे हैं। सो ऐसे ही आप चलते रहोगे, आपको लोग इनवाइट करेंगे, बात करेंगे आपसे। अच्छे नहीं ओचन хорошо дружим, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, आई विल टेल द गिफ्ट्स ऑफ इंडिया एंड वी नो दैट देयर आर आल्सो गुड पीपल देयर। एक्चुअली आई हैव डाउनलोडेड द ऑफलाइन ट्रांसलेशन इन माय एप्लीकेशन, आई एम यूजिंग जेंडेक्स ट्रांसलेट, बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट शोइंग। अभी जो एजेड लोग थे उन्होंने बुला के मुझे चाय पिलाई और थोड़ा बात किया, और उन्होंने पूछा कि अगर सीक्रेट ना हो तो मुझे बताओ कि तुम ट्रैवल
कितने मतलब कितना खर्चा कर रहे हो, तो लिटरली जो मैं खर्चे कर रहा हूँ वो $300 है, मतलब 376 ऑलमोस्ट। आप मैक्सिमम भी अगर बजट लेके चलोगे तो $400 बनते हैं, करीब 35,000 के आसपास। और एक्चुअली इतना नहीं जाएगा, सिर्फ इस ट्रिप की मैं बात करूँगा ना अगर, तो मैं इस ट्रिप को कर रहा हूँ सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये में, वो भी तीन कंट्री में, इससे ऊपर नहीं जा रहा मैं। तीन कंट्री कौन सी हैं, तीसरी कंट्री का भी कन्फर्म नहीं है क्योंकि उसका वीज़ा पेंडिंग स्टेटस में है, वो 8 तारीख के बाद ही क्लियर होगा बिकॉज हॉलीडेज चल रहे हैं। 8 तारीख तक हॉलीडे हैं, 9 और 10 को फिर क्या कहते हैं ओपन होगा, तो अपडेट मिलेगा। 10 तारीख को लास्ट मुझे उस कंट्री में जाना भी है, सो इन केस अगर 10 को मुझे वीज़ा मिल जाता है तो मैं लैंड बॉर्डर से क्रॉस करूँगा, अदरवाइज़ वापस आ जाऊँगा उज़्बेकिस्तान, और उज़्बेकिस्तान से लूँगा ट्रेन अल्माटी की डायरेक्ट। सो यही ऑप्शन है मेरे पास में बस अभी फ़िलहाल के लिए। और अच्छा लगा मिलके बात करके उनसे, वो मतलब बहुत खुश थे मेरा, क्या ही बोलूँ मैं। जब आप आओगे ना तो समझ में आएगा कि जब सामने से कोई वेलकम करता है ना तो कैसा लगता है। ओह इट्स रियली अमेजिंग फीलिंग। तो भाई मैंने बस पकड़ लिया 74 नंबर, और जिससे मुझे जाना है अपने पास में दिखा देता हूँ। तो रेड डॉट जहाँ मैं हूँ यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है जाना यहाँ पे, और ये पूरा जो मेन है यार, पेमेंट का समझ में नहीं आ रहा कहीं पे भी, जहाँ बैठने में हो रहा है ना कि कैसे पेमेंट करना है क्या करना है। सो जो ट्रैम का था, ट्रैम का तो चलो ड्राइवर फ्रंट गेट ओपन कर रहा था एग्जिट के टाइम पे, तो आपने वहाँ पे 2000 सोम दे दिए। अभी देखते हैं इनको कितना क्या पेमेंट है, कैसे देना है, कुछ अपडेट नहीं है फिलहाल तो, ना ही कोई मशीन है टैप करने के लिए। सो देखते हैं फिलहाल, ये आसपास का नज़ारा देखो तो। अब देखो मैं कैसे ड्रॉप्स पे उतरता हूँ, वो यही तरीका है, जैसे इंडेक्स यहाँ पे चलती है तो मैंने इंडेक्स को लगा लिया है यहाँ पे, और मैप चल रहा है। जैसे ही मैं नियर बाई लोकेशन पहुँचूँगा अपना गेट पे खड़ा हो जाऊँगा बैग लेके रेडी होके और उतर जाना है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। कुछ साइंस नहीं है इतना बड़ा या मैथ नहीं इतनी बड़ी कि आप नहीं कर पाओगे या उतर नहीं पाओगे। आई थिंक मशीन लगी है ऊपर साइड में पेमेंट के लिए, टैप कर लूँगा जाते वक्त जब जाना होगा तो। सामने की तरफ अगर दिख रहा हो तो वो उसका ऊपर लगा हुआ है, तो उस पर पेमेंट करना होगा। वही वाला सीन है जैसे कि आपका टाशकंद में था, मशीन लगी हुई है सब में, तो आपको बस टैप करना है, पेमेंट हो गया तो कैश, तो 1700 या 1400 या फिर 2000 सौ फिर पहुँचता हूँ, क्योंकि हॉस्टल बैग ड्रॉप करूँगा सीधा बाहर निकलूँगा। मौसम अभी अच्छा है और अभी होने वाले हैं 3, सो आज का दिन ख़राब हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि बैग वहाँ पे अपना रखा, वापस निकलूँगा, वापस उधर ही आऊँगा, यहाँ से जाऊँगा उधर साइड में पूरा एक्सप्लोर करते हुए। मैं आ गया हूँ हॉस्टल में, हॉस्टल है यहाँ से मैंने एंट्री ली थी। ये कुछ हॉस्टल का ओवरव्यू देख लो, ये रिसेप्शन एरिया है, घड़ियाँ लगी हुई हैं, सो बस यही है, बाकी जा रहा हूँ ऊपर। दिस इज द रूम, प्लीज कम। ओके सो ये मेरी एंट्री है, सो भाई देख लो ये है मेरा जो रूम मुझे मिला है, मैंने ले लिया ये 8 नंबर का नीचे, क्योंकि नीचे रैक्स लगी हुई हैं, तो ठीक है। मतलब भाई तुम खुद देखो, लग्जरी होटल में भी ऐसे ही होता है, मैं टॉयलेट्स वगैरह भी दिखा दूंगा आपको। टॉयलेट भी देख लेता हूँ, ये हो गया और रिसेप्शन एरिया हो गया, ये आपका टॉयलेट के लिए हो गया, टॉयलेट चलते हैं दिखाते हैं अभी। सो ये है आपका वॉशरूम, देख लो भाई, दिस इज द वॉशरूम, लग्जरी वॉशरूम से कम नहीं है। चाय स्टेयर्स देख लो, अच्छा खासा एकदम मेंटेन कर रखा है। कितने डॉलर में पे कर रहा हूँ, सिर्फ $9। ओके वॉशिंग के लिए, ये तुम्हारा वॉश करने के लिए है, कपड़े वॉश करने अगर आपको तो। किचन एरिया ओके, ये तुम्हारा भाई खाने के लिए है, सो यहाँ पर अपना सामान गर्म करो जो भी करो वो लेके खा सकते हो, और ये किचन एरिया हो गया। ओके कॉफी, कॉफी She is asking me for towel. Thank you. So, देख लिया ना पूरा, अभी मैं बाहर निकलूंगा तो यहाँ से पूरा दिखाऊंगा, मतलब क्या गजब बना रखा है।
एकदम ही गजब नहीं है, मतलब फिर भी है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। देख लो भाई, सब देख लो, एकदम मस्त कलर कॉम्बिनेशन, सब कुछ एकदम मस्त यूज़ किया है। मैं पूरा राजा हूँ इस कमरे का, कोई नहीं है। कितने बड़े, 1 2 3 4 5, 2 4 2 6, 6 बेड डोरमेट्री है, कोई भी नहीं है। देख लो, आराम से घूमो फिरो, जो करना है करो, खेलो कूदो। सो यही फ़ायदा है हॉस्टल बुक करने का। आप भी हॉस्टल बुक करो, सर्च करके बुक करो कौन सा देखने में अच्छा लग रहा है। फोटोज़ भी अपलोडेड होती हैं, और इनमें जो हॉस्टल होते हैं ना, उनके जो फोटोज़ होते हैं वो एक्चुअल होती हैं। ये नहीं कि होटल में जैसे कि होता है आपको फोटो दिखाई कुछ और, गया तो मिला कुछ और, बिल्कुल भी फ़र्क मिलेगा, एग्जैक्टली वही होगा। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितने मैंने हॉस्टल बुक किए हैं जहाँ मैं रहा हूँ, सब में एक्सपीरियंस सेम ही रहा है, कुछ अलग नहीं रहा है। और ये विंडो है बाहर के लिए, मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाऊँ उसके बाद निकलूँगा बाहर, 20 मिनट बाद। अभी वो जो ओनर है वो आएंगे, उनसे मिलने के बाद मैं निकलता हूँ, क्योंकि मुझे अपना एक रजिस्ट्रेशन भी कराना है, वो स्लिप ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एग्जिट करोगे तो मांग सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर लक, अगर मांगते हो तो देना पड़ेगा। सो मैं वो स्लिप रख लूँगा अपने पास में। अभी के लिए बाय बाय, मिलता हूँ, अभी निकलूँगा शाम को उस जो भी मॉन्यूमेंट्स है सारे उनको एक्सप्लोर करने के लिए।